हेलो स्टूडेंट्स, और बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है एज्यूम्शंस ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत की मान्यताएं। पहले सुनिए, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। फिशर ने चलन मुद्रा एम तथा साख मुद्रा एम वन के अनुपात को स्थिर मान लिया है। फिशर के समीकरण में चलन मुद्रा का प्रचलन वेग V तथा साख मुद्रा का प्रचलन वेग V1 भी स्थिर रहता है। फिशर का विचार था कि मूल्य स्तर P निष्क्रिय रहता है, अर्थात यह M, M1, V, V1 तथा T को प्रभावित नहीं करता, वरन स्वयं इनसे प्रभावित होता है। फिशर ने यह भी मान लिया है कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की अवस्था में है तथा टी अर्थात उत्पादन मात्रा भी स्थिर रहती है। फिशर ने अपने सिद्धांत में यह मान लिया कि अन्य बातें स्थिर रहती हैं। यह एक प्राचीन मान्यता है जिसका वर्तमान में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यह संसार गतिशील है ना कि स्थिर। फिशर का सिद्धांत दीर्घकाल की मान्यता पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार दीर्घकाल में मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर में उचित समन्वय स्थापित हो जाता है। अब आती हैं क्रिटिसिज्म ऑफ फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यानी कि फिशर के परिमाण सिद्धांत की आलोचनाएं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने फिशर के परिमाण सिद्धांत की भिन्न भिन्न प्रकार से आलोचनाएं की हैं, जिनमें से प्रमुख निम्न हैं। सुनिए, नंबर वन है अनरियलिस्टिक एज्यूम्शंस, अवास्तविक मान्यताएं। इस सिद्धांत में मुद्रा को प्रभावित करने वाले अनेक तत्वों को स्थिर मान लिया गया है। इन अवास्तविक मान्यताओं ने इस सिद्धांत को अव्यवहारिक बना दिया है। उदाहरण, व्यापार की मात्रा अल्पकाल में परिवर्तनशील होती है, मूल्य पी निष्क्रिय घटक नहीं होता, वास्तविक मुद्रा व साख मुद्रा की चलन गति भी स्थिर नहीं रहती, साख मुद्रा और वैधानिक मुद्रा में निश्चित अनुपात स्थिर नहीं रहता है, पूर्ण रोजगार की सामान्य स्थिति अवास्तविक है। नंबर दो, लॉन्ग टर्म थ्योरी, दीर्घकालीन सिद्धांत। इस सिद्धांत की मान्यताएं दीर्घकाल में सत्य सिद्ध हो सकती हैं, परंतु मुद्रा मूल्य में दीर्घकाल तक परिवर्तनों का ज्ञान हमारे लिए अधिक उपयोगी नहीं होता। अर्थव्यवस्था की अल्पकालीन समस्याएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं और उनके विश्लेषण अधिक उपयोगी हुआ करते हैं। नंबर थ्री, नो नीड ऑफ सेपरेट थ्योरी, पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं। यह सिद्धांत मुद्रा के मूल्य के सिद्धांत को मूल्य के सामान्य सिद्धांत से पृथक मानता है। वह इस कारण अर्थव्यवस्था के मौद्रिक तथा वास्तविक क्षेत्रों को पृथक कर देता है। वस्तुतः किसी भी वस्तु की भांति मुद्रा का मूल्य भी मांग व पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। अतः मुद्रा के मूल्य निर्धारण हेतु एक पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। नंबर फोर्थ, अनड्यू इम्पोर्टेंस टू सप्लाई साइड, यानी कि पूर्ति पक्ष पर अनुचित जोर। इस सिद्धांत ने केवल पूर्ति पक्ष पर विशेष जोर दिया है, जो अनुचित है, क्योंकि मुद्रा का मूल्य केवल प्रचलित मुद्रा के परिमाण द्वारा ही प्रभावित नहीं होता, वरन उसकी मांग द्वारा भी प्रभावित होता है। अतः यह एक पक्षीय सिद्धांत है। नंबर फिफ्थ आता है, हाउ प्राइस इज अफेक्टेड बाई द चेंज इन क्वान्टिटी ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन का मूल्य पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। सुनिए, फिशर यह मानते थे कि मुद्रा की माप बढ़ने पर मुद्रा स्फीति प्रारंभ होती है और स्फीति की गति नई मुद्रा के सृजन पर निर्भर करती है, अर्थात ∆M/M पर। इस प्रकार यदि ∆M/M
5% है, 5% है, तो सामान्य मूल्य स्तर में भी 5% की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि होगी, परंतु यह दोषपूर्ण है क्योंकि यह सिद्धांत उस प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं करता जिसके द्वारा मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप कुल मौद्रिक व्यय में वृद्धि होती है और जिसके कारण उत्पादन स्थिर रहने की स्थिति में मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। संक्षेप में यह सिद्धांत इस बात को स्पष्ट नहीं करता कि मुद्रा की मात्रा के परिवर्तन किस प्रकार से मूल्य स्तर को प्रभावित करते हैं। 6, इट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज के प्रभाव की अवहेलना। यह सिद्धांत कीमतों पर ब्याज की दर के प्रभाव की अवहेलना करता है। लॉर्ड केंज, हार्टे, प्रोफेसर हायक आदि के अनुसार इस सिद्धांत की यह धारणा गलत है कि मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर में प्रत्यक्ष तथा आनुपातिक संबंध है। वास्तव में मुद्रा में होने वाला परिवर्तन ब्याज की दर को प्रभावित करता है तथा ब्याज की दर में होने वाला परिवर्तन कीमत स्तर में परिवर्तन उत्पन्न करता है। 7, इट डज नॉट करेक्टली मेजर द परचेजिंग पावर, मुद्रा की क्रय शक्ति की ठीक ठीक माप नहीं करता। यह सिद्धांत तो केवल नकद लेन देन की गणना करता है जबकि आधुनिक युग के व्यापार के अंतर्गत अनेक व्यवहार साख और वस्तु विनिमय के आधार पर होते हैं जो कि टी में सम्मिलित नहीं रहते। अतः यह सिद्धांत मुद्रा की क्रय शक्ति को मापकर केवल रोकड़ी लेन देन के स्तर को मापता है। 8, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट टाइम लैग, समय विलंब पर ध्यान नहीं देता। मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन का प्रभाव मूल्य स्तर पर तत्काल नहीं पड़ता वरन कुछ समय बाद ही दिखाई पड़ता है। इस बीच में अनेक बातें ऐसी हो सकती हैं जो उस परिवर्तन के प्रभाव को नष्ट कर दें। यह सिद्धांत इस बात पर ध्यान नहीं देता है। 9, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स आल्सो अफेक्ट, अमौद्रिक घटनाओं का भी प्रभाव पड़ता है। मूल्य स्तर केवल मुद्रा की मात्रा पर निर्भर नहीं रहता वरन ऐसे अनेक मौद्रिक व अमौद्रिक कारणों पर निर्भर रहता है जो मुद्रा के प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं। 10, इट इग्नोर्स द स्टोर मनी, संचित मुद्रा पर ध्यान नहीं देता। कीन्स ने इस सिद्धांत को एक और दृष्टिकोण से असंतोषजनक बताया है। उनका विचार है कि व्यक्ति चलन अथवा साख मुद्रा की सारी रकम वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय नहीं कर देता वरन भावी संकटों से बचने के लिए व्यक्ति हर समय मुद्रा की कुछ राशि संचय करके रखता है। यह संचय की हुई राशि सामान्य मूल्य स्तर पर कोई प्रभाव नहीं डालती अतः इसे मुद्रा की मात्रा में से कम करना आवश्यक है। 11, इट फेल्स टू एक्सप्लेन ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में असफल। यह सिद्धांत कीमत स्तर के उन परिवर्तनों को समझाने में असमर्थ रहता है जो व्यापार चक्रों के कारण पैदा होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि मूल्य गिरते हों तो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करके इसको बढ़ाया जा सकता है, परंतु अनुभव बताता है कि 1929 की विश्वव्यापी मंदी के समय मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर भी वस्तु के मूल्य गिरते गए। इस संबंध में क्राउथर ने कहा है कि घोड़े को पानी पीने से रोका जा सकता है परंतु यदि उसे प्यास नहीं है तो कितना ही उसे पानी के समीप ले जाइए वह पानी नहीं पिएगा।
आगे आता है हमारा यूटिलिटी ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की उपयोगिता। इसमें सुनिए, एक उचित मुद्रा नीति अपनाई जानी चाहिए जिससे मुद्रा तथा साख की पूर्ति पर उचित नियंत्रण रह सके, जो मूल्य में स्थायित्व बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वस्तुओं के अनुचित संग्रह को रोका जाना चाहिए ताकि वस्तुओं की पूर्ति मुद्रा की पूर्ति से पीछे न रहने पाए। देश के आयात निर्यात पर उचित ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि कमी वाली वस्तुओं का आयात हो सके और अधिकता वाली वस्तुएं निर्यात की जा सके। एक उचित उद्योग नीति अपनाई जानी चाहिए ताकि देश के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो सके और वस्तुओं की कमी के कारण मूल्यों में वृद्धि ना हो। अब आता है वेलोसिटी ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा का प्रचलन वेग या चलन गति। इसमें सुनिए, बिग्रेस और जार्डन के अनुसार एक निश्चित अवधि में एक सिक्का जितनी बार क्रय करने के लिए काम में आता है वह मुद्रा की चलन गति कहलाती है। उदाहरण के लिए, यदि 10 रुपये का नोट दिन में 5 बार विनिमय माध्यम के रूप में एक व्यक्ति के पास जाता है तो उसका दैनिक प्रचलन वेग 5 होगा। मुद्रा की कुल मात्रा में इसको सम्मिलित करते हैं। एक देश में मुद्रा की चलन गति निकालने के लिए एक वर्ष के कुल राष्ट्रीय उत्पाद को मुद्रा की प्रचलन मात्रा मनी इन सर्कुलेशन से भाग दे दिया जाता है, अर्थात प्रचलन गति V बराबर कुल राष्ट्रीय उत्पाद GNP बटे प्रचलन में मुद्रा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।